हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों आज की करंट अफेयर, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद WNHRC इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो भारत को चुना गया है नए सदस्य के रूप में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र समर्थित फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों, सिक्किम राज्य को सम्मानित किया गया है फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। इस दिवस का मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो इसकी थीम है आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना। मतलब कोई भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया या वर्षा ज़्यादा हो गई दोस्तों, तो इन सभी से जो निपटने के लिए जो प्लान है गवर्नमेंट का, ऐसे प्लान बनाएंगे कि जो हमें नुकसान हो रहा है, मतलब जो आर्थिक रूप से जो नुकसान हो रहा है उसे कम किया जा सके दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस को बोलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो किसी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का वैकल्पिक न्यू अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो मेरी स्कॉन्दे को सम्मानित किया गया है दोस्तों न्यू अकादमी पुरस्कार 2018 से। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो गृह मंत्रालय ने किस धर्म की महिलाओं को हेलमेट पहनने पर छूट दे दी है? तो किसको दी है दोस्तों? सिख धर्म की महिलाओं को ये छूट दी गई है हेलमेट पहनने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो राइट संस्था द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे इनोवेटिव विश्वविद्यालय में पहला स्थान किसे मिला है? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है दोस्तों। इनोवेटिव मतलब कुछ नई चीज़ें खोजने वाला विद्यालय। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो हाल में ही भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में आयोजित की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये क्या है? अजरबैजान में किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैप के अंदर भी देख पा रहे हैं, ये रशिया इंडिया और ईरान के बीच में एक स्थान है अजरबैजान, जहां पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो हाल में ही अन्नपूर्णा देवी का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है? तो ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थी दोस्तों, जैसे कि आप फोटो के अंदर भी देख पा रहे हैं, जैसे कि ये बजा रही है वीणा को। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करें तो मानव संसाधन विकास के लिए भारतीय बैंक ने काठमांडू के नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट NBI नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किए हैं दोस्तों, जैसे कि आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें तो केंद्र सरकार ने फुटवेयर और चमड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए और रोज़गार को बढ़ाने के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? तो 2600 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। किसके लिए दी है दोस्तों? फुटवेयर और चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों आज मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसका कि आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके देना है दोस्तों। तो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस दिन को विश्व एनिमल दिवस के रूप में मनाया गया है? 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो आपको जो भी सही आंसर लगता है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।